नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस हेल्थ टिप्स की सीरीज में चार ऐसी होम रेमेडीज के बारे में जिनसे आप अपने एक्ने और पिंपल्स के दाग को, उसके स्कार्स को रिमूव कर सकते हैं, ऐसे दाग धब्बों को अपने चेहरे पर हटाकर सुंदरता को पा सकते हैं। तो ऐसी होम रेमेडीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोज के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्ने और पिंपल्स आपके चेहरे को, आपकी सुंदरता को खराब करते हैं और जब ये चले भी जाते हैं, आप इनको स्क्रैच कर लेते हैं या आप कोई रेमेडी, कोई मेडिसिन ट्राई करते हैं या किसी प्रकार का कोई देसी नुस्खा भी अगर इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो एक समय के बाद जब ये चले जाते हैं तो जाने के बाद में इनकी पिंपल्स की जगह पे उस एरिया में आपको स्कार्स देखने को मिलते हैं। वहां पर आपको दाग और धब्बे देखने को मिलते हैं, आपको वहां पर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो इस पिगमेंटेशन को हटाने के लिए चार ऐसे होम रेमेडीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसका अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहें तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट पर भी मेरा अलग से एक वीडियो है जो कि आपको मेरे ही इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो बिना देरी किए इन चार रेमेडीज के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन होती है, सबसे पहला जो होम रेमेडी है वो है पोटैटो यानी कि आलू। आलू को आप ग्रेट कर लीजिए यानी कि किस लीजिए और ऐसा करके आप इसको एक सूती कपड़े में दबाकर और इसमें से पानी निकाल लीजिए और इस पानी को, जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, स्टार्च रिच होता है, इस पानी को आप चेहरे पर लगाकर छोड़ दीजिए और कम से कम आप इसको 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए। सुबह सुबह आपको इस तरह से नुस्खे को फॉलो करना है। सुबह सुबह ऐसा करने से 20 मिनट बाद में जब आप इसको वॉश करेंगे और यह प्रक्रिया आप कम से कम 7 से 10 दिन तक फॉलो करेंगे तो आपको एक्ने स्कार्स में कमी देखने को मिलेगी और आपको चेहरे पर ग्लो दिखाई देगा, आपको एक्ने स्कार्स में सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा जो नुस्खा है वो होता है एलोवेरा जेल का, यानी कि आपको एलोवेरा ले लेना है, यानी आपको एलोवेरा का जो पल्प है वो निकाल लेना है। इस एलोवेरा के पल्प को आपको चेहरे पर लगा लेना है जहां जहां आपको स्कार्स हैं, इवन आप पूरे चेहरे पर भी इसको लगा सकते हैं। और इस पल्प को अप्लाई करने के बाद में अच्छे से, और इसको आप 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 20 मिनट बाद में आप इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको एलोवेरा की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है उसके जरिए आपके स्कार्स रिमूव होने में काफी मदद मिलेगी और इसका भी रिजल्ट आपको हफ्ता से 10 दिन के अंदर यानी 7 से 10 दिनों के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, तीसरी जो होम रेमेडी है वो है नींबू का रस और शहद। आप इन दोनों का एक एक चम्मच ले लीजिए और इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर आपको चेहरे पर लगा लेना है, पूरे चेहरे पर जहां जहां स्कार्स हो रखे हैं वहां पर, और इवन नॉर्मल जो स्किन है वहां पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नींबू का रस और शहद जो है एंटीऑक्सीडेंट आपको क्वालिटीज प्रोवाइड करवाती है, साथ ही साथ ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट भी करती है, आपके स्किन में जहां जहां पिगमेंटेशन हो गया है उसको भी नॉर्मलाइज करने में काफी मदद करती है। इस प्रकार के मिक्सर को आपको लगाकर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है और ऐसा करने के बाद में आप नॉर्मल ल्यूकवॉर्म वाटर से या नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर सकते हैं। ऐसा आपको दिन में एक बार जरूर करना है और इस नुस्खे को भी आप कम से कम हफ्ता 10 दिन फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। लास्ट जो नुस्खा है वो है विटामिन ई का। आपने भी कई लोगों को विटामिन ई लगाते हुए देखा होगा, लेकिन मैं जो यहाँ पे नुस्खा बता रहा हूँ यह थोड़ा सा अलग है। आपको क्या करना है, बाजार से एक विटामिन ई का कैप्सूल ले आना है, एक स्ट्रिप ले आना है और उसमें से आप एक कैप्सूल निकाल लीजिए जो कि जेल फॉर्म में, एक ऑयल फॉर्म में होता है। इस कैप्सूल के अंदर में ऑयल भरा होता है, आपको इसको अच्छे से प्रिक करके सुई से या निडल से आप इसको प्रिक करके इसमें से ऑयल को निकाल लीजिए किसी एक कटोरी में। उसमें आप बराबर मात्रा में कैस्टर ऑयल मिला लीजिए जो कि आपको नजदीकी किसी भी मेडिकल या जनरल स्टोर पे मिल जाएगा। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप पूरे चेहरे पर और अपने स्कार्स पर लगाकर छोड़ दीजिए। विटामिन ई के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है और यह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। इस प्रकार से इस मिक्सर का आपको लेप जो है चेहरे पर लगा लेना है और इस मिक्सर को आपको
ओवरनाइट रहने देना है, पूरी नाइट आप इसको रहने दीजिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप इसको वॉश कर लीजिए। वॉश भी आपको नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से करना है और ऐसा करने से आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपको स्किन में अलग से एक प्रकार की चमक दिखाई देने लगेगी और आपके स्कार्स जो है वो 7 से 10 दिन में ही बिल्कुल ठीक होते हुए नजर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 4 नुस्खे अपनाकर या इनमें से कोई 1 या 2 नुस्खे भी अपनाकर आप अपनी त्वचा से इस प्रकार के स्कार्स, इस प्रकार के एक्ने और पिंपल से होने वाले दाग और धब्बों को हटा सकते हैं एकदम प्राकृतिक रूप से। अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो उस पर मेरा एक अलग से वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें होम्योपैथी मेडिसिंस भी बता रखी है जो कि बिल्कुल ही साइड इफेक्ट फ्री है। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।